फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। भारत में आज लॉकडाउन को 14 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना से जुड़े मामले देश में कम होते नजर नहीं आ रहे। देश में कोरोना के मामले 4000 के पार पहुंच गए हैं और अब तक कुल 109 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, लॉकडाउन की समाप्ति 15 अप्रैल को होनी है और लॉकडाउन की समाप्ति को लेकर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों और सांसदों से बात की और उनसे अपील की कि लॉकडाउन के खुलने के बाद भारत और उत्तर प्रदेश की स्थिति को संभालने के लिए वह सुझाव पेश करें। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मरीज ज्यादा है, जैसे कि नोएडा और गाजियाबाद, उन क्षेत्रों में चरमबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आइए दिखाते हैं आपको यह वीडियो। दो अन्य कार्यों में लेना है और ये दो कार्य जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। एक, 15 अप्रैल से लॉकडाउन समाप्त होगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? आपसे इशारा करके बता दीजिए मेरी आवाज पहुंच रही है। तो मैं चाहूंगा दो कार्य। एक, 15 अप्रैल से लॉकडाउन को हम खोलेंगे तो एकाएक खोल करके जमावड़ा भीड़ का ना होने पाए, इसमें आपकी सहभागिता, इसमें आपका सहयोग। क्योंकि 15 अप्रैल में अगर हम लोग जैसे लॉकडाउन खोलेंगे और एकाएक भीड़ इकट्ठी हो गई तो फिर सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे और मैं इसके लिए आपका सुझाव भी चाहूंगा। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीम।